नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना 80वां दिन है। शनिवार 22 मार्च 2018 मीरिया से फेरी सेमर, दमगढ़ और जंगल के रास्ते होते हुए अमरकंटक। हम सुबह 5:15 पर जागे। स्वास्थ्यक्रम के बाद हमने आकर उसी हेडपंप पर स्नान किया। गृहस्वामी श्री दुर्वे जी ने बोरवेल का पंप चला दिया, जिससे हम आनंद से स्नान कर पाए। इसके बाद कल शाम की ही भांति हमने उगते हुए सूर्य देवता और मैया के प्रवाह की दिशा में मुख कर बरामदे में बैठ प्रातःकालीन पूजन अर्चन किया। इसी दौरान सारा घर भी जाग गया। सभी बाहर आंगन में बैठ हमारे क्रियाकलाप देखते रहे। पूजा के बाद हमने सभी को प्रसाद दिया और घर के छोटे बच्चों को बिस्किट का पैकेट और मिठाई खाने हेतु कुछ रुपये दिए तथा सभी को नर्मदे हर कर हम सुबह 7 बजे यहाँ से आगे बढ़े। सारे घर ने हमें उनके ही घर के एक परिवारजन के नाते विदा किया। सुबह का मौसम ज़्यादा दूरी कम समय में तय करने में बहुत सहायक होता है, इसका हमें ज्ञान है। इसीलिए हम बहुत कम रुके, अधिक चलते रहे। शायद आज हम अधिक उत्साहित है क्योंकि हम अमरकंटक जो पहुंचने को है। चलते हुए हम प्रातः 8 बजे फेरी सेमर और फिर आगे प्रातः 9 बजे दमगढ़ तक आ गए। यहाँ हमारे विश्राम के दौरान हमें दो माताएं महिला परिक्रमावासी दिखी। ये दोनों शायद नागपुर की प्राध्यापिका और उनकी छात्रा है, जिनके विषय में हमें पीछे मंडला में पता चला था, पर उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की तो हमने भी बात करना उचित नहीं समझा। नर्मदे हर। दमगढ़ सच में बहुत ही ऊंचाई पर बसा हुआ स्थान है। यहाँ की चढ़ाई से सांस फूलने लगती है, साथ ही बहुत सी सुनसान और वीराना रास्ता है। हम कुछ ऊपर से चल रहे हैं, अतः मैया तो दृष्टि गोचर नहीं हो रही, पर उनके प्रवाह के स्थान का अब कुछ कुछ अंदाजा मिलने लगा है। घने जंगलों और 100 फीट से भी उनसे पेड़ों के बीच में बने उस जंगली आवागमन के मार्ग पर चलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हर कदम के बाद लग रहा है शायद अब बहुत ही जल्द हम अमरकंटक में होंगे। यहाँ पर मार्ग में आगे कपिल धारा, दूध धारा हेतु भी अंदर मुड़ने के मार्ग आए, पर हमने वहाँ जाना उचित नहीं समझा क्योंकि झरना देखने में हमें कोई रुचि अभी इस समय नहीं है। उसे हमने भविष्य के लिए छोड़ दिया क्योंकि उतना पैदल जाकर देखकर पुनः वापस आना हमें प्रैक्टिकल नहीं लगा। चलते हुए उस सुने मार्ग में अनायासी दूर सामने विविध मालाएं धारण किए, भस्म रमाए बड़े हुए जटा जूट लिए एक सन्यासी वेश के परिक्रमावासी से दिखने वाले मूर्ति दिखे। अब तक के इस शून्य मार्ग में अचानक ऐसे किसी रूप को देखने से हम थोड़े हड़बड़ा गए, पर हम हमारी गति से चलते हुए उनके पास पहुंचे। नर्मदे हर के बाद उन्होंने पूछा कि हम कपिलधारा नहीं गए क्या। हमने उन्हें बताया कि नहीं, भविष्य में कभी जाएंगे। फिर हमने उनसे अमरकंटक के मार्ग के विषय में जानकारी ली और फिर नर्मदे हर करके आगे निकल आए। वे वहीं पर सुस्ताने और अपनी ही धुन में खोए हुए बैठे रहे। चलते हुए बहुत बड़े सपाट मैदान में अब तक की परिक्रमा में पहली बार और अंतिम बार भी हमने मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निकाली गई नर्मदा सेवा यात्रा के करीब 50,000 पौधों का पौधारोपण देखा। मन में अनायासी विचार आया, ना जाने इनमें से कितने ऐसे गर्मी और तेज धूप सहकर बड़े वृक्ष बन पाएंगे और मैया में जल हेतु वर्षा करवाने में सहायक हो सकेंगे। अब हल्का हल्का अमरकंटक दिखाई देने लगा है। कुछ इमारतें, कुछ रास्ते, खिलौनों की भांति यहाँ वहाँ आती जाती गाड़ियाँ, ऐसे ही दृश्यों को देखते हुए हमने नगर में प्रवेश किया। अब तक सुबह से नेटवर्क ना होने की वजह से हम आई बाबा से कोई संपर्क नहीं कर पाए थे।
अतः हम चाहते थे कि नेटवर्क में आते ही हम उनसे बात कर लें। पहाड़ी ढलान से नीचे उतरती सड़क से नीचे आने पर हमने एक छोटी सफ़ेद कार को सामने की दिशा से आते हुए देखा। मैंने नंबर पढ़ा तो उसकी शुरुआत MP50 बालाघाट के वाहनों का क्रमांक से हो रही थी। मन में आया कि इनमें से तो आई बाबा नहीं, पर यह हमारी कार नहीं, अतः विचार आया गया हो गया। इसी दौरान वो कार भी कुछ धीमी होकर रुक गई और उसमें से उतरे हुए यात्री हमारे परिवारजन ही थे। नर्मदे हर, रवि जी ने घड़ी की ओर नज़र दौड़ाई। समय हुआ था 11:30। कल सुबह मिली उन माताजी की बात सच साबित हुई कि हम 11 से 12 के बीच अमरकंटक में होंगे। हमारे इस बदले हुए रूप को देख इनके मन में विविध विचार उठ रहे हैं, ऐसा हमें लगा। साथ ही इतने दिनों बाद ऐसे अनायासी परिवारजनों को देख हमें भी आनंद हो रहा था। वैसे भी ये रवि जी और आई बाबा की पहली ही भेंट थी। करीब 5 मिनट की बातों के बाद हमें श्री मृत्युंजय आश्रम के बारे में जानकारी दे ये लोग कपिलधारा के दर्शनों हेतु चले गए। हम भी चलते हुए मंद गति से अमरकंटक में आए। हमारी किसी असावधानी की वजह से कहीं यहाँ मैया के पात्र का उल्लंघन ना हो जाए, अतः हमने थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद बार बार आगे के मार्ग के विषय में पूछना जारी रखा, जो वैसे तो अकारण ही था क्योंकि मैया मानो यहाँ सीधी रेखा जैसे ही बह रही थी। रवि जी के फटे हुए जूते सिलवाने हम रुके, उतनी देर में ये लोग भी वापस आ गए। हम सभी लोगों ने जाकर इनके लिए आवंटित कक्ष में सामान रखा, जहाँ पर जाने के दौरान यहाँ की व्यवस्था देखने वाले इस आश्रम के एक सेवादार ने हमें टोका कि हमें उस ओर नहीं दूसरी ओर रुकना है। पर साथ के संघ कार्यकर्ता श्री नयन सुख जी के बताए जाने पर उन्होंने हमें जाने दिया। हमने सामान रख तत्काल ही जाकर दोपहर का भोजन प्रसाद पाया और फिर कक्ष में आकर विश्राम और बातें करते रहे। ये लोग हमारे लिए घर से बहुत सा सामान लाए थे, पर इनमें से हमें बहुत ही कम, करीब करीब ना के बराबर ही वस्तुओं की आवश्यकता थी जो हमने ली। आई यहाँ मैया को भोग लगाने हेतु आटे और गुड़ का बना हलवा मैया को प्रिय भोज्य पदार्थ प्रसाद रूप में लाई थी। हमारे लिए कुछ घी बत्ती ऐसा पूजा हेतु लगने वाला सामान हमने जो लगा वो रख लिया, बाकी का लौटा दिया। साथ ही हमने हमारे पास का भी कुछ अतिरिक्त सामान उन्हें ले जाने हेतु दे दिया। यहाँ हमने परिक्रमा की गत 80 दिनों की अवधि के बाद प्रथम बार कोई स्मार्टफोन छुआ और फिर हमने सेल्फी ली। इतने दिनों बाद फोन पकड़ने से मैं तो बटने तक भूल गया था। परिक्रमावासी को आईने में मुख नहीं देखना चाहिए, तो ऐसे में इतने दिनों बाद फोटो में खुद के इस बदले हुए रूप को देख काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसी सब के बीच बहुत से स्थानीय संघ कार्यकर्ता बाबा से मिलने हेतु आते रहे। उनमें से कुछ का मत था कि हमें जाकर माँ नर्मदा उद्गम कुंड के उत्तर तट की दिशा से दर्शन करने में कोई हर्ज नहीं है, पर हम जिस पुस्तक का सहारा लेकर यात्रा कर रहे थे उसमें उत्तर तट की दिशा से वहाँ जाना प्रतिबंधित था, इसीलिए हमने वहाँ ना जाना ही उचित समझा। अब कल श्री रामनवमी है, इसीलिए ये लोग तो शायद ही आज शाम को वापस बालाघाट के लिए निकल जाएंगे। ऐसे में हमें भी यहाँ रुक कर क्या करना है, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी इनके साथ रहते ही तट परिवर्तन की पूजा करवा कर सामने के तट पर कहीं रुके। हम एक स्थानीय संघ कार्यकर्ता के मार्गदर्शन में यहाँ से सामान समेट सभी को नर्मदेहर करके माई की बगिया इस स्थान की दिशा में आगे बढ़े। वे स्थानीय कार्यकर्ता बाबा और श्री नयन सुख जी भी हमारे साथ पैदल ही आए। हमने घने पेड़ों जिनमें आसपास के अतिक्रमण के चलते अब तो काफ़ी कमी आ गई है के बीच में बसे उस माई की बगिया में प्रवेश किया। ये स्थान घने वृक्षों की वजह से बहुत ही ठंडा और सदैव ही साया से आच्छादित सा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार नर्मदा मैया का प्रागट्य उस स्थान से 1 किलोमीटर दूर कुंड में हुआ तथा फिर ये अपने बाल सुलभ स्वभाव के अनुरूप खेलने हेतु यहाँ इस बाग बगिया में आ गई।
कुंड से यहाँ तक मैया का प्रवाह जमीन के नीचे से है जो हम देख नहीं सकते हैं। ये स्थान सच में ऐसा ही है कि मानो लगता है हम किसी उद्यान में ही आ गए हैं। एक अर्थों में ये अपने बगिया नाम को सार्थक करता हुआ है। यहाँ पहुँच हमने यहीं के पुजारी जी के मार्गदर्शन में तट परिवर्तन की पूजा की, जैसे हमने रेवा सागर संगम में किया था उसी तरह की पूजा यहाँ हमने की। हमारे पास की मैया के जल से भरी हुई शीशी में से आधा जल यहाँ के कुंड में डाल इस कुंड का आधा जल पुनः शीशी में भर लिया। एक अर्थों में आज हमने मैया के शीश पर उन्हीं के जल की धार से अभिषेक किया। रेवा सागर संगम में हमने मैया के शरणों पर अभिषेक किया था। यहाँ पूजा बहुत ही शांत और व्यवस्थित ढंग से हुई, जिससे हमारा आनंद स्वाभाविक ही बहुत बढ़ गया। इस सारी पूजा के मंत्रोच्चार के दौरान आँखों के आगे इस उत्तर तट मीठी तलाई से अमरकंटक के हर दिन के प्रवास से जुड़ी अनेक यादें, घटनाएं, व्यक्ति आदि सभी कुछ स्मरण होते रहे। पूजा के बाद हमने पुजारी जी को उसी दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। पूजन के बाद मैया ने हम सभी को अनायासी खीर प्रसाद खाने हेतु उपलब्ध करवाया। मानो ये हमारी इतनी परिक्रमा के उपलक्ष्य में मैया द्वारा हमारा किया गया कौतुक ही था। यहाँ से एक बार पुनः नर्मदेहर का जयघोष कर हमने कदम आगे बढ़ाए। अब यह हमारा दक्षिण तट अमरकंटक से ओमकारेश्वर तक का भाग दो प्रवास प्रारंभ हुआ। भाग एक का प्रवास ओमकारेश्वर से विमलेश्वर तक पूर्व में ही कर चुके हैं। यहाँ से हम सोनमुड़ा की दिशा में आगे बढ़े, जो इस जगह से बमुश्किल आधा किलोमीटर दूर है। सोनमुड़ा से ही सोन नद का उद्गम है। नदी स्त्रीवाचक शब्द है और नद पुरुषवाचक शब्द है, यानी सोन स्त्री नहीं पुरुष है। इस नद की लंबाई करीब 850 किलोमीटर है, जो आगे जाकर बिहार राज्य में गंगा नदी में समाहित होता है। इसके आगे भी हम यूं ही चलते रहे, पर अरे ये क्या, हम तो चलते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में आ गए। यहाँ थोड़ा सा हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा का भी लगता है, तथा फिर आगे चलते हुए हम पुनः मध्य प्रदेश में आ गए। फिर माँ नर्मदा उद्गम कुंड की ओर जाते हुए मार्ग में पड़ने वाले बहुत ही कलात्मक षड्यंत्र मंदिर को हमने देखा, और फिर बहुत से आश्रमों मंदिरों को पार कर हम परिक्रमा वासियों के लिए निर्धारित दक्षिण तट के द्वार से अंदर प्रविष्ट हुए। यहाँ पर बहुत से सफ़ेद रंग में रंगे हुए प्राचीन मंदिर हैं। बीच में एक कुंड बना हुआ है, जिसमें गौमुख से एक धारा निरंतर गिरती रहती है। यही है मैया का उद्गम, नर्मदे हर नर्मदे हर। कुंड में स्नान करना वर्जित है, केवल आसमन कर सकते हैं। स्नान हेतु पास ही बने कोटि तीर्थ में भक्त स्नान कर सकते हैं। या जमीन पर टाइल्स की सहायता से उत्तर तट और दक्षिण तट का व्यवस्थित विभाजन किया गया है। अतः हम उत्तर तट से ही प्रवेश करके मैया के दर्शन का लाभ ले सकते थे, जो अब यहाँ आकर समझ आया। इस जल का आसमन कर और कुछ समय बिताने के बाद में हम यहाँ से आगे बढ़े और फिर अपने उद्गम पर ही विविध तरह की छोटे बड़े स्टॉप डैम की बेड़ियों में जकड़ी हुई मैया को देखते हुए हम पुणे के श्री शीतले दंपति जी की सेवा से संचालित आश्रम में आ गए। इनसे मिलने की इच्छा मेरी काफ़ी समय से थी, जो अब जाकर पूर्ण हुई। इन्होंने मैया की परिक्रमा के बाद में अपनी उच्च पदस्थ नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और अब ये तब से हर वर्ष किसी नए स्थान पर जाकर अस्थायी आश्रम का निर्माण कर परिक्रमा वासियों की सेवा में लगे रहते हैं। इस सारे आर्थिक बोझ को भी ये स्वयं ही वहन करते हैं। मैया के तट से बहुत दूर रहने वाले किसी व्यक्ति का नर्मदा जी के तट पर निस्वार्थ सेवा भाव और समर्पण का ये वास्तव में बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आश्रम में उन्होंने हमारा बहुत ही प्रेम से स्वागत किया, तथा हम में से कुछ ने चाय प्रसाद भी पाया। इसके बाद शाम होती देख शाम 5 बजे आई बाबा और श्री नयन सुख जी हमसे विदा ले बालाघाट की दिशा में अपने 260 किलोमीटर के प्रवास पर आगे बढ़े। हमने सूचना के अनुरूप
अंदर कक्ष में आसन लगाया और फिर स्नान हेतु कपड़े लेकर सामने आ गए। बद्ध मैया का ये रूप देख बहुत ही पीड़ा हुई। मन ने कहा, मानो मैया कह रही हो, कोई तो मुझे इस अकारण लादे हुए बंधनों से मुक्त करे। रुके होने की वजह से पानी भी गंदा मटमैला सा था, पर हमने श्रद्धा भाव से स्नान किया और फिर कक्ष में आकर पूजन आरती की। शाम 6:30 बजे अंधेरा होते होते हम सभी ने रात्रि का भोजन प्रसाद पाया। यहाँ कुछ डिंडोरी के आसपास के ग्रामीण परिक्रमावासियों का भी एक दल रुका है, जो तकरीबन 8-9 मूर्ति है, जिन्हें भोजन आदि के बाद में अंदर कक्ष में स्थान मिला। हमारे बर्तन आदि धोने के बाद हमने आश्रम के किसी कार्य में सहयोग की पेशकश की, तो हमें केवल मैया से 2 बाल्टी पानी लाने का ही कार्य माताजी श्री शीतले कागू ने बताया। उनके सारे कार्यों के बाद सभी ने मिलकर कुछ भजन गाए और अपने विवेक के अनुरूप कुछ धर्म चर्चा की। इसी दौरान संघ के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारी पूछताछ करने पुनः आए तथा कुछ समय बाद वापस लौटे। भजन आदि के कार्यक्रम के बाद हम सभी तकरीबन 16-17 परिक्रमावासी उस 10x12 के खुले शेड, जिसे होर्डिंग आदि की सहायता से कमरे जैसा रूप दिया गया था, में मैया के सानिध्य में निंद्राधीन हुए। आज फोन चलाने के दौरान मैंने देखा कि मेरे M.Tech प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा की समय सारणी आ गई है, जो मई के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ हो रही है। साथ ही परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है, अतः हमें अब चलने में अधिक दूरी तय करने और कम रुकने की आवश्यकता है। इस बारे में हम कल बात करेंगे, ऐसा मैंने और रवि जी ने निर्णय किया है। ये मैया का उद्गम अर्थात जन्म स्थान है और जन्म शिशु का सर्वप्रथम रुदन ही हमें सुनाई देता है। उसी तरह अपने जन्म की इस कोमल अवस्था में भी ऐसे बांधों में जकड़ी असहाय मैया का रुदन ही मैंने बहुत समय तक अनुभव किया और इसी वजह से उत्पन्न क्रोध में ही ना जाने मुझे कब नींद लगी। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।